रोहित शर्मा का पत्ता, लेकिन आखिर किस टीम में जाएंगे 2024 के बाद बताएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1170वां एपिसोड। आज 9 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों कल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपनी 2024 के लिए नई जर्सी रिव्यूड और लॉन्च कर दी है। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं था, चेन्नई का इतिहास रहा है, अपनी जर्सी में कोई बदलाव करते नहीं है और सेम ऐसा ही रहा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी जर्सी में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि भैया इनका एक ऑफिशियल पार्टनर चेंज हुआ है जर्सी के पीछे। अब आप चेन्नई सुपर किंग्स के एतिहाद एयरवेज देख पाएंगे, क्योंकि एतिहाद एयरवेज ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप कर ली है। दरअसल दोस्तों हम लगातार देखते हैं कि जितनी भी ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उसकी जितनी भी एयरलाइंस है, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो एतिहाद हो, चाहे वो कतर एयरलाइंस हो, कतर एयरवेज हो, ये सब आईपीएल टीमों के साथ एसोसिएट रहते हैं। आरसीबी का भी जो मेन मुख्य स्पॉन्सर है वो कतर एयरवेज है और कुछ उसी तरह से अब ये जो एतिहाद एयरवेज है उसको आप चेन्नई सुपर किंग्स के पीछे पीठ पर देख पाएंगे। तो भैया इन नए स्पॉन्सर्स के लिए लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो चेन्नई के बाद केकेआर को भी नया पार्टनर मिल गया है। दरअसल दोस्तों केकेआर टीम ने भी एक नए जर्सी पार्टनर और एसोसिएट के साथ डील की है। जॉय कंपनी जो कि नॉर्मल हाउसहोल्ड और एफएमसीजी में काम करती है, उसने पार्टनरशिप की है केकेआर की टीम के साथ। आपको बता दूं कि पहले भी ये जो जॉय कंपनी है वो स्किन केयर की कंपनी है और पहले भी केकेआर के साथ डील में रह चुकी है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जॉय कंपनी केकेआर से चली गई थी। बट केकेआर को भी एक नया पार्टनर मिला है जो कि जर्सी पर दिखने वाला है, तो जॉय का नाम केकेआर की पीठ पर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो बीसीसीआई को भी नए नए पार्टनर्स मिलने लगे 2024 के आईपीएल के लिए। सभी टीमों ने और बीसीसीआई ने भी पार्टनरशिप खोल दी थी और लगातार नए नए पार्टनर जुड़ते जा रहे हैं। रिपोर्टेडली दोस्तों बीसीसीआई ने एसोसिएट पार्टनर्स के लिए एक साल के लिए 60 से 70 करोड़ रुपयों की बेस प्राइस रखी है। मतलब अगर किसी को एज एसोसिएट स्पॉन्सर जुड़ना है बीसीसीआई और आईपीएल के साथ, तो एक साल के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अभी एसोसिएट स्पॉन्सर क्या रहेंगे, कौन होते हैं और क्या करेंगे वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों जब आप आईपीएल देखते होंगे ना, तो जब आईपीएल का मैच खत्म होता है या बीच में जब छक्का लगता है या फिर ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो उससे पहले एक ब्रांड का नाम लिया जाता है। जैसे पिछले साल हमने देखा तो ऑरेंज कैप से पहले अमार्को कंपनी का नाम लिया जाता था, अमार्को ऑरेंज कैप और अमार्को पर्पल कैप दिए जाते थे। तो ये जो अमार्को कंपनी है ये एसोसिएट पार्टनर थी पिछले साल के लिए और वो साल भर के लगभग 50-55 करोड़ रुपए देती है। तो इस तरह से मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं और लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए बीसीसीआई इन पार्टनर्स के जरिए सालाना कमा लेता है आईपीएल से। तो एक पार्टनर को भैया, एक एसोसिएट पार्टनर को 60 से 70 करोड़ रुपए मिनिमम देने पड़ेंगे। मतलब यहां भी बीसीसीआई ने प्राइस बढ़ा दी है और इस बार रिपोर्टेडली बीसीसीआई सिर्फ इन एसोसिएट पार्टनर से आईपीएल में 5000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान कर रहा है। इतना तो पूरा पीएसएल, पूरी लीग नहीं कमा पाती और मेरे हिसाब से तो 3-4 लीगें मिलकर भी नहीं कमा पाती, तो आईपीएल के लिए लाइन बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था, ऐसा लग रहा है कि उसका रिपीटेशन हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी दिख रहा है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल संडे को परसों के दिन होने वाला है। अब डर इस बात का लग रहा है कि कहीं फाइनल में फिर से भारत ना हार जाए, क्योंकि भारत ने पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा क्रिकेट खेला है और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब ये दोनों टीमें आमने सामने, कुछ ऐसा ही ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था कि भारत ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह से साइड में लेकर आ गया था, फाइनल में पहुंच गया था और फिर फाइनल में एक बुरा दिन आ गया। तो होप फॉर द बेस्ट, कम से कम भैया थोड़ी बहुत खुशी तो आए, अंडर 19 वर्ल्ड कप तो भारत जीते, उम्मीद बहुत सारी है। संडे के दिन टीवी खोलेंगे, 50 ओवर का ये अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत के कब्जे में आए, भगवान से यही दुआ है। बाकी यही बात कर सकते हैं हम कि यार जो ओडीआई वर्ल्ड कप में जो टीस लगी है ना, वो अब तक नहीं हटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो ये खबर
खबर आ रही है रहमानुल्लाह गुरबाज के हवाले से, केकेआर की टीम का हिस्सा है। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है एवरी लीग बिकम इजी वंस यू प्ले इन द आईपीएल। जब आप आईपीएल में खेलने लगते हो तो दुनिया की बाकी सारी दूसरी जो लीग्स होती है वो आपको बहुत आसान लगने लगती है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बताया है कि क्यों आईपीएल जरूरी है, सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं, जितना कॉम्पिटेटिव आईपीएल हो चुका है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेस की गारंटी देता है। और हमने देखा भी है कि आईपीएल खेलने के बाद कई प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी सक्सेस हो जाते हैं। इसके तीन चार रीजन है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज कि आपकी टीम में दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस खूब मिलता है, उन बड़े प्लेयर से सीखने को बहुत मिलता है। दूसरी बड़ी चीज, बड़े क्राउड के सामने आप दूसरे देशों में नहीं खेल पाते तो जो क्राउड प्रेशर झेलना है ना वो आप आईपीएल मैचों से सीखते हैं, क्योंकि प्रत्येक मैच में मिनिमम 50,000 बंदा बैठा रहता है। तो जाहिर है ये सारी चीजें आईपीएल को एक परफेक्ट पैकेज बनाती है, और पैसा तो है ही, एंड दैट्स व्हाई भैया रहमानुल्लाह गुरबाज कह रहे हैं, और गुरबाज किस बात के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। देखो शेड्यूल सबसे पहले कहाँ आएगा, हमारे टेलीग्राम पेज पर आएगा। इंजरी रिपोर्ट किसी भी प्लेयर्स की कौन उपलब्ध हो रहा है सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी, और आईपीएल का पूरा मजा पूरे आईपीएल भर मिलेगा, और गिव अवे चलेगा, गोल्ड गिव अवे होने वाला है इस बार, पूरी तैयारी कर ली है तो तैयारी आप भी कर लो, देर नहीं करना है आपको। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, फ्री में फटाफट जाइए, 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस आईपीएल में होगा टेलीग्राम पर गोल्ड गिव अवे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है SA20 के हवाले से, छोटा आईपीएल साउथ अफ्रीका का आईपीएल SA20 चल रहा है, फाइनल दो टीमें कंफर्म हो चुकी है, कल फाइनल है। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और डर्बन सुपर जायंट्स के बीच फाइनल मैच होने वाला। अब यहाँ से ये जो दोनों टीमें हैं ये आईपीएल की फीलिंग देती है, क्योंकि जितनी भी टीमें SA20 में खेलती हैं वो आईपीएल टीमों के मालिकों की ही टीमें, सेम जर्सी लगभग होती है। आईपीएल जो मेन होने वाला है उसका फाइनल किन टीमों के बीच होगा, बड़ा ट्रिकी सवाल है, जवाब आप दो भाई कमेंट बॉक्स नीचे, बताइए आपकी किन दो टीमों के बीच होगा आईपीएल 2024 का फाइनल, अपनी राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स है प्लीज लिखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है, इतना तो तय हो चुका है, पिछले दो तीन दिन से जो हुआ है मुंबई इंडियंस के खेमे में, रोहित शर्मा की पत्नी ने जो बयान दिए हैं, उसके बाद जो पोस्ट डाली है, उसके बाद मुंबई के मैनेजमेंट ने जिस तरह से कह दिया आप क्लैरिफिकेशन दो रोहित शर्मा से, इतना तो क्लियर हो गया है अंतिम साल है रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के साथ, रोहित नाराज है ये भी क्लियर है, लेकिन आखिर किस टीम में जाएंगे रोहित शर्मा 2024 के बाद ये भी देख लेते हैं। किन किन टीमों को जरूरत है रोहित जैसे प्लेयर्स की जो अच्छा पैसा लगाएंगे, देखो पीछे तो सभी जाएंगे, जरूरत सबको है, लेकिन जो अच्छा पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड रहेगी तो एक KKR है, क्योंकि KKR को एक प्रॉपर कैप्टन मिल जाएगा कम से कम आने वाले 4 सालों के लिए, और KKR स्पेशली ईडन गार्डन्स में रोहित शर्मा का बल्ला खूब चलता है, तो KKR तो 100% जाएगी। RCB को भी एक प्रॉपर कैप्टेंसी ऑप्शन मिलेगा, विराट कोहली के साथ रोहित की दोस्ती है, बीच में खटास आई थी लेकिन अब सब सही है, और आज की डेट में जो हो रहा है उसमें तो दोनों एक ही पन्ने पर है, क्योंकि दोनों के साथ बुरा हो रहा है, चाहे वो BCCI हो चाहे वो कप्तानी का मामला हो, तो जाहिर है RCB भी वो टीम रहेगी। तीसरी टीम गुजरात टाइटंस की टीम रहेगी, आप खुद ही सोचिए कि हार्दिक पांड्या को छीन लिया है और करीबी है मुंबई की गुजरात से, तो फैन फॉलोइंग अमूमन सेम होती है, बिकॉज बहुत सारा क्रॉस पॉपुलेशन रहती गुजरात और मुंबई में एक दूसरे की, तो गुजरात टाइटंस वो टीम होगी जो एज ए न्यू कैप्टन रोहित शर्मा के पीछे जाएगी, और शुभमन गिल से बेहतर विकल्प वो साबित होंगे। चौथी टीम दिल्ली कैपिटल्स की है, ऋषभ पंत के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है वो दिल्ली छोड़ देंगे 2024 के बाद, वो चेन्नई में जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में दिल्ली को भी एक नए कप्तान की जरूरत है, तो दिल्ली के लिए भी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन रोहित शर्मा रहेंगे, बैकअप नहीं मेन ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि अगर ऋषभ पंत फिर चले भी गए तो आपके पास कम से कम 4 साल के लिए रोहित शर्मा एज ए बड़े कप्तान है, और रोहित शर्मा कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पांचवी टीम हैदराबाद की है, हैदराबाद को तो सब चाहिए, हैदराबाद की स्थिति काफी बुरी है तो हैदराबाद भी जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये वो 5 टीम है दोस्तों जो आज की डेट में रोहित शर्मा के पीछे फुल ऑन बिडिंग करेगी। फुल ऑन बिडिंग का मतलब 30 करोड़ रुपए होता है आज की डेट में, क्योंकि 25 करोड़ तो पैट कमिंस को ही मिल गए थे, तो मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा पर 30 करोड़ बरस सकते हैं, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, एकदम से जो हुआ है उसका भुगतान शायद मुंबई इंडियंस को करना पड़ जाए। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखना, बताना जरूर आपके हिसाब से किस टीम में जाना चाहिए रोहित शर्मा को।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर सुनील गावस्कर के हवाले से निकल कर आ रही है। आईपीएल 2024 के लिए सुनील गावस्कर ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा सीएसके विल बी इन टॉप फोर दिस ईयर, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉप फोर में जाने वाली है। ये बोल रहे हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की इस बात से आप कितना सहमत है? आपके हिसाब से कौन सी वो चार टीमें होंगी जो 2024 के आईपीएल के सेमीफाइनल या फिर प्लेऑफ में जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, कारण भी बताओ। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो अपनी राय जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए थे और उसके बाद से ही सवाल है चेन्नई वालों के लिए भी और टेस्ट मैचों में भी कि कब वापसी होगी। अगला मैच राजकोट में जो कि उनका होम टाउन है, तो यहां से जडेजा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। भैया जडेजा ने कल एक तस्वीर पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस समय एनसीए बेंगलोर में और लिखा कैप्शन गेटिंग बेटर, दिन पर दिन वो बेटर हो रहे हैं। उनका चेहरा देखकर लग रहा है कि आईपीएल से पहले तो फिट हो जाएंगे। बीसीसीआई के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि हो सकता है तीसरा टेस्ट ना खेले लेकिन चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के लिए रविंद्र जडेजा फिट हो जाए। तो चेन्नई के लिए यहां से थोड़ी सी सुकून देने वाली रिपोर्ट है क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और हैमस्ट्रिंग का सही होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब फाइनल रिपोर्ट क्या होगी वो तो हम आपको आने वाली वीडियोज और टेलीग्राम पर बता देंगे। विराट कोहली लेकर भी अपडेट है, रिपोर्टेडली तीसरा और चौथा टेस्ट मैच विराट कोहली मिस करेंगे और पांचवें टेस्ट मैच में विराट की भी वापसी हो सकती है जो कि धर्मशाला में होने वाला है। तो देखते हैं ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं और इन दोनों को लेकर सवाल था। केएल राहुल को लेकर अपडेट मैं बता ही चुका हूं आपको, वो फिट हैं। तो जडेजा को लेकर और टेस्ट टीम को लेकर बड़ी अपडेट थी, आप तक बता दी। अभी तक टेस्ट टीम का ऐलान हुआ नहीं है, जब भी होगा सबसे पहले टेलीग्राम पर डालेगा। दसवीं वाली रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया अंग्रेजों के हवाले से तो बड़ी अजीब सी रिपोर्ट आ रही है। इंग्लैंड के जो कुछ प्लेयर्स हैं वो इस समय अबू धाबी और दुबई के दौरे पर गए हुए हैं। जी हां, दूसरा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ये जो लंबी विंडो मिली है, रेस्ट मिला है, इसमें अंग्रेज खिलाड़ी भारत नहीं घूम रहे हैं, वो दुबई चले गए हैं और अबू धाबी और दुबई में थोड़ी सी छुट्टियां मना रहे हैं। इस पर माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर से वो नाराज हो गए। उन्होंने लिखा कि ये जो इंग्लैंड के खिलाड़ी कर रहे हैं और अगर यहां से इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस हारती है तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं प्लेयर्स को लेनी पड़ेगी। भारत की कंडीशन कोई आसान नहीं है अंग्रेजों के लिए। बेशक पहला मैच इंग्लैंड जीत गई थी लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया जीती थी। आने वाले तीन टेस्ट मैचेस अगर इंग्लैंड बैक टू बैक हारती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में इनका अबू धाबी और दुबई जाना समझ नहीं आ रहा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।